यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। स्वागत है आपका, एबीपी गंगा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। नए कृषि विधेयक के विरोध में किसानों ने दिल्ली कूच किया तो राजधानी को चारों ओर से किले में तब्दील कर दिया गया। दिल्ली यूपी बॉर्डर के साथ सूबे के कई जिलों में इस दौरान पुलिस और किसानों के बीच झड़प भी देखने को मिली। वहीं पुलिस ने किसानों को हर जगह पर आगे बढ़ने से रोका। किसानों को जिस तरह रोका गया उस पर अब सियासत शुरू हो गई है। तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि जो तीन कृषि कानून केंद्र सरकार लेकर आई है उसके खिलाफ अन्नदाताओं का गुस्सा किस कदर भड़का हुआ। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के साथ यूपी के किसान भी इस कानून को लेकर बेहद नाराज हैं। ऐसे में इन सभी ने आज दिल्ली कूच किया तो राजधानी को महफूज रखने के लिए इसे चारों तरफ से किले में तब्दील कर दिया गया। किसानों को आगे बढ़ने से रोका गया तो कई जगहों पर पुलिस के साथ इनकी झड़प भी हो गई। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि किसान किस कदर गुस्से में नजर आ रहे हैं। अब आपको यूपी की तस्वीरें दिखाते हैं जहां पर दिल्ली की सीमा में किसानों को दाखिल होने से रोकने के लिए सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए। तस्वीरें ग्रेटर नोएडा की जहां पर पुलिस ने कृषि कानून को लेकर दिल्ली जा रहे किसानों को रास्ते में रोक लिया। परी चौक यमुना एक्सप्रेसवे के जीरो पॉइंट से पुलिस ने यहां 15 किसानों को हिरासत में ले लिया। हम अभी खड़े हैं ग्रेटर नोएडा के परी चौक पर, जीरो पॉइंट पर। यहां पर किसान दिल्ली कूच कर रहे थे। नॉलेज पार्क पुलिस ने तकरीबन 15 किसानों को हिरासत में लिया है। ये किसान दिल्ली उस प्रदर्शन में शामिल होने के लिए जा रहे थे। यहाँ पर पुलिस काफी मुस्तैद दिखाई दे रही है। जो भी यहाँ पर लोग आ रहे हैं उनकी बाकायदा चेकिंग की जा रही है, उसके बाद ही उन्हें आगे जाने दिया जा रहा है। यहाँ पर पुलिस काफी मुस्तैद दिखाई दे रही है। वहीं गाजियाबाद में प्रशासन को बड़ी कामयाबी मिली। यहाँ पर प्रशासन आंदोलन को खत्म करने में कामयाब रहा। बड़ी तादाद में किसान यहाँ पर दिल्ली जाने के लिए अड़े हुए थे। गाजियाबाद पुलिस ने इसके लिए बैरिकेडिंग भी लगाई थी और जब किसान मोहन नगर चौराहे पर पहुंचे तो पुलिस ने उन्हें यही रोक दिया। अधिकारी भी हमारे साथ है सर, अब आगे की रणनीति क्या रहेगी? किसान यहाँ पहुंच चुके हैं, आप लोगों ने यहाँ किसानों को रोक लिया है, अब आगे का क्या रुख है? कुछ नहीं, इनसे बातें बात चल रही है, ज्ञापन भी तैयार है और ज्ञापन अभी तुरंत इन लोगों से लिया जाएगा। तो देखिए किसानों से बात चल रही है, ये कहना है पुलिस अधिकारियों का कि किसानों का कहते हैं जो आंदोलन है यही समाप्त कर दिया जाएगा, ऐसा भी इनका मानना। लेकिन जो किसान है वे अड़े हुए हैं, उनका कहना है कि हम दिल्ली जाकर रहेंगे। चप्पे चप्पे पर पुलिस मौजूद है, पुलिस ने कई जगह बैरिकेडिंग लगाई हुई है कि किसान दिल्ली ना जा पाए। मुरादाबाद में भी दिल्ली कूच को लेकर किसान और पुलिस सामने सामने दिखे। यहाँ पर भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने आगे बढ़ने से रोक दिया, जिसके बाद सैकड़ों की तादाद में कार्यकर्ता चौधरी सराय चौराहे पर सड़क के बीच बैठ गए और इन्हें हटाने में पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। वहीं यहां से पुलिस ने कई सारे किसानों को गिरफ्तार कर लिया। देश भर के तमाम सारे राज्यों से किसान आज दिल्ली कूच कर रहे हैं। वजह है नया कृषि विधेयक, इसको लेकर तमाम सारे किसान विरोध कर रहे हैं और यही कारण है कि आज वो दिल्ली कूच कर रहे हैं। इस वक्त मैं नोएडा गेट में खड़ा हुआ आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा, किस तरीके से यहाँ पे बैरिकेड लगा के पूरे बॉर्डर को सील कर दिया गया। ये स्थिति सिर्फ नोएडा दिल्ली बॉर्डर की नहीं है बल्कि हरियाणा दिल्ली बॉर्डर, इसके अलावा हरियाणा पंजाब बॉर्डर, इसके अलावा अगर बात करें तो दिल्ली में जितने भी सारे रास्ते हैं अलग अलग राज्यों से प्रवेश के, सभी रास्तों में इस तरीके की बैरिकेडिंग की गई है और काफ़ी ज़्यादा सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आप देखिए किस तरीके से ट्रैफिक का मूवमेंट काफ़ी स्लो है। दिल्ली पुलिस के जो तमाम सारे जवान हैं वो एक एक गाड़ियाँ चेक करके उसके बाद तब गाड़ियों के प्रवेश की अनुमति दे रहे हैं। दिल्ली पुलिस के कई सारे जवान यहाँ पे तैनात है, इसके अलावा 12 अर्धसैनिक बलों की कंपनियाँ भी तैनात की गई हैं। चूंकि दिल्ली पुलिस को ये डर है कि काफ़ी संख्या में किसान यहाँ पे पहुँच सकते हैं, इसीलिए सुरक्षा की दृष्टि से ये सारे कदम उठाए गए हैं। आगरा में भी किसान और पुलिस सामने सामने दिखाई दी। यहाँ पर जानी मानी समाज सेविका मेधा पाटकर ने सीमा पर ही पूरी रात बिता दी। पुलिस ने मेधा पाटकर और उनके साथियों को सैया बॉर्डर पर ही रोक दिया। मेधा पाटकर साथियों के साथ दिल्ली जाने की जिद पर अड़ी थी, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें रास्ते में ही रोक लिया। एबीपी गंगा भी किसान कूच की पल पल की खबर आप तक पहुंचाता रहा। हमारे संवाददाता इस खबर से जुड़ी हर अपडेट आप तक लगातार पहुंचाते रहे।
वहीं किसानों के इस दिल्ली कूच से सियासत भी फिर गर्मा गई, क्योंकि इसे लेकर कांग्रेस ने फिर से केंद्र की मोदी और यूपी की योगी सरकार को घेरने की कोशिश की। प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर हमला बोला। उन्होंने लिखा कि किसानों से समर्थन मूल्य छीनने वाले कानून के विरोध में किसान की आवाज सुनने की बजाय भाजपा सरकार उन पर भारी ठंड में पानी की बौछार मारती है। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी ट्वीट कर सरकार पर जमकर निशाना साधा। नहीं हुआ है अभी सवेरा पूरब की लाली पहचान, चिड़ियों के जगने से पहले खाट छोड़ उठ गया किसान। काले कानूनों के बादल गरज रहे गड़गड़, अन्याय की बिजली चमकती चमचम, मूसलाधार बरसता पानी, जरा न रुकता लेता दम। मोदी सरकार की क्रूरता के खिलाफ देश का किसान डटकर खड़ा है। वहीं एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी किसानों के आंदोलन को लेकर सरकार पर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने ट्वीट में लिखा कि सरकार की विनाशकारी कृषि नीति के विरुद्ध अपना विरोध प्रकट करने के लिए अन्नदाता किसानों के खिलाफ भाजपा सरकार आंसू गैस व वाटर कैनन जैसे हिंसक मनोवृत्ति के साधनों से प्रहार कर रही है। घोर निंदनीय, अमीरों की पक्षधर भाजपा, गरीब हलदर का दर्द क्या जाने। वहीं सरकार का दावा है कि किसानों का डर बेकार है, क्योंकि जिन वजहों से किसान डर रहे उन पर सरकार की पैनी नजर रहेगी और सरकार के रहते किसानों को नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। वहीं किसानों के दिल्ली कूच ने विपक्ष को भी सरकार पर हमला बोलने का मौका दे दिया, जिसके बाद विपक्ष की ओर से एक एक कर सरकार पर हमला बोला जा रहा है। दिल्ली से अविनाश तिवारी, गाजियाबाद से शक्ति सिंह, ग्रेटर नोएडा से रविंद्र, मुरादाबाद से उबैदुर रहमान और आगरा से नितिन उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।